नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर संदीप सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप एग्री साइंस। तो आज बात करते हैं कृषि जगत में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले खरपतवार नाशक पेंडीमेथालिन के बारे में। ये इतना तगड़ा खरपतवार नाशक है कि ये खरपतवारों को जमने से पहले ही ख़त्म कर देता है। तो आज हम जानेंगे कि पेंडीमेथालिन आखिर है क्या और इसे लगाने की विधि क्या है, इसकी कितनी मात्रा पड़ती है और ये किन किन फसलों में लगाया जाता है, इसी के बारे में आज चर्चा होगी। और इसका मार्केट रेट क्या है, ये मार्केट में मतलब कितने रुपए में मिल जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, पेंडीमेथालिन खरपतवार नाशक दवा है। इसका प्रयोग कृषि में खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का खरपतवार नाशक है जो खरपतवारों को जमने से पहले ही ख़त्म कर देता है। यह बाज़ार में कई नामों से आता है, जैसे टाटा कंपनी का टाटा पेनिडा, धानुका का धनु टॉप और यूपीएल का दोस्त नाम से आता है, एचपीएम का गदर नाम से आता है। ये इन नामों से बड़े आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो इसका टेक्निकल नेम पेंडीमेथालिन 30% ईसी है। पेंडीमेथालिन खरपतवारों के उगने से पहले और उगने के बाद दोनों पर कंट्रोल करता है। पेंडीमेथालिन जड़ के अंकुर के विकास को रोकता है। यह खरपतवार की संख्या को नियंत्रित करता है और उन्हें उभरने से रोकता है। अब बात करते हैं इसको लगाने की विधि के बारे में, कितनी मात्रा और किन फसलों में ये लगेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखें। किसान भाइयों, पेंडीमेथालिन को हम स्प्रे के माध्यम से खेत में लगाते हैं। इसका प्रयोग फसल बोने के तुरंत बाद किया जाता है। यह स्प्रे फसल बोने के तुरंत बाद और 3 दिनों के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह अगर बीज अंकुरित हो जाता है तो उस पर नुकसान करता है। अब बात करते हैं फसलों के बारे में कि ये किन किन फसलों में लगाया जाएगा। यह गेहूँ, सोयाबीन, कपास, मिर्च, धान, प्याज आदि फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने इसे सरसों की भी फसल में लगाकर देखा तो रिजल्ट हमारे लिए शानदार मिले। ये खरपतवार जैसे कुछ सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट कर देता है। बात करें इसकी डोज के बारे में तो पेंडीमेथालिन 30% ईसी का 1 लीटर से 1.5 लीटर मात्रा को लेकर 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। यह मात्रा आपके एरिया में रकबे के अनुसार भिन्न हो सकती है। बात करें इसके पेंडीमेथालिन के रेट के बारे में तो ये मार्केट में 500 से 600 रुपए में आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। पेंडीमेथालिन का प्रयोग फसल के बीज के अंकुरण से पहले करें। इसका स्प्रे पीछे की ओर हटते हुए करना चाहिए। पेंडीमेथालिन मिट्टी के ऊपर एक लेयर बनाती है और ये अगर लेयर टूटती है जहाँ से भी तो वहीं से घास जमना स्टार्ट हो जाती है। किसान भाइयों, मेरी अगली वीडियो गोभी के आकार को बढ़ाने के लिए होगी। मैं उसके बारे में कुछ सुझाव दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप बिना किसी झंझट के देख सकें। और आपका अगर कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।